गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब? खूब करता हूँ, बढ़िया होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ एकदम। और अभी हम तैयार हो गए घर जाने के लिए। सुबह टाइम हो रहा है करीब 7:30 अभी, और जा रहे हैं। तो आरू भी तैयार हो गया और मैं भी तैयार हो गया हूँ, निकल ही रहे हैं बस। जिया जी बैठे हुए हैं, ये हमें जिया जी छोड़ के आएंगे हमें अभी, और दीदी भी चलेंगी अभी। ये देखो, ये सब तैयार है भेजने के लिए, तैयार एकदम तैयार खड़े हैं गेट पे। और तब तक हमारी सो रही है अभी। सामान वगैरह देख रहा हूँ मैं, कुछ रह तो नहीं गया। आरू चलो चलो जल्दी जल्दी पकड़ो, चलो चलो हमारे घर आना लो। और अरे आरू नहीं, ये भाग रहा है ये भाग रहा बार बार, ये देखो। और अभी निकलते हैं, टाइम करीब टाइम ज़्यादा ही हो गया अभी। और जब जाएंगे, जब रास्ते में पहुंचेंगे ना, क्योंकि कल निकलने वाला था पर कल हम रुक गए क्योंकि बारिश वगैरह हो रही थी, तो हम रुक गए यहाँ पे। और उसके बाद में फिर अब जाएंगे, आज निकलने वाला हूँ। और आज भी बारिश हो रही है यहाँ पे, तो चलो पहले चलते हैं। वैसे जिया जी ने फ़ोन करके पूछ तो लिया उससे कि वो जाने वाले हैं कि नहीं, कैब वगैरह सब मिलती है। आरू ये देखो, ये देखो पूरी जेब फुल करी जा रही है देख लो तुम खा लो। तो क्या करूं? हाँ बोलो कुछ तो। तो चलो अभी चलते हैं, हम चले जी मिलते हैं, हम बस में ही मिलेंगे, वैसे कैब के साथ नहीं मिलेंगे। तो अभी बस में बैठ चुके हम लोग, और जिया जी आई थी बैठाने के लिए और दीदी भी आई थी साथ में, वो वहीं बाहर रुके। और जो हमने कैब करी हुई थी वो थोड़ा चली गई, यहाँ से वेट नहीं करा उनने क्योंकि हम थोड़ा लेट हो गए। तो वो कह रहे हैं कि कैब वाले भैया बोले कि यार हम तो निकल जा रहे हैं अभी क्योंकि हमें ज़्यादा टाइम लगेगा आपको, तो हम निकल जाते हैं। फिर हम बैठ गए बस में, ये सीधे नोएडा जाएगी अभी। हाँ चले, आरू का तो यार कल से चिल्ला रहा है कि मम्मा के पास जाना है मुझे, पर मुझे चलो घर जा ही मिलते हैं यार अभी। तो गाइस आरू यहाँ पे सो गया था और एक घंटे के बाद ही सो गया ये। मैंने इसको मोबाइल चलाने के लिए दे दिया था, तो मोबाइल चलाते चलाते ये सो गया। ये रो रहा था कि इसे याद आ रही है घर पर जाना है, जल्दी क्यों नहीं जा रही है गाड़ी। तो अभी मैं इसको उठा दूँगा खाना खाने के लिए थोड़ी देर बाद, तो अभी इसे सोने देते हैं हम। तो अभी पहुंच गए हम लोग, रास्ते में रुके गड़गंगा तक पहुंच गए अभी रुक, और उसके बाद में हम जाएंगे अभी घर, खाना वगैरह खा लेते हैं यहाँ पे। क्यों खाना वगैरह खा लेते हैं, और धूप में सूसू कर रहा था ये, पूरी सूसू चमक रही थी। क्यों? तो अभी गाड़ी हमारी रुकी हुई है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे रुकी हुई है गाड़ी अभी। तो गाइज किस किस के साथ हुआ है ऐसा बताना मुझे कमेंट करके, कि पहले ये भैया ने मुझे देखा और मैंने इनसे फ्रूटी मांगा था, तो इन्होंने रियल जूस मैंने लिया था इनसे, फिर तो रियल जूस बाकी लोगों को ये 25 रुपये का दे रहे थे। और जैसे ही मेरे हाथ में फ़ोन और मेरा सेटअप देखा, ये कैमरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इन्होंने मुझे 20 रुपये का दिया था वो चीज़। क्योंकि पिछली बार भी जब हम कहीं जाते हैं ना, तो ऐसे ही करते हैं ये शॉप जो जहाँ पे होती हैं बस स्टैंड वगैरह पे, तो वो हमें 5-5 रुपए एक्स्ट्रा बता के ही लेते हैं। 20 की चीज़ होगी 25 की देंगे, 25 की होगी तो वो 30 की देंगे। ऐसा किस किस के साथ हुआ है बताना मुझे ज़रूर। अभी जूस ले लिया है अपना और अभी हम खाएँगे, आलू के पराठे बनवा के लेके आ गए थे। और ये देखो भीड़ लगी हुई है दबा के यार, लस्सी वस्सी सब मिल रही है यहाँ पे।
धो लो। यहाँ पे काफ़ी दिन के बाद हमने ऐसा हेडपम्प देखा है, वो उसमें उसमें। तो आरू आ चुका है घर पे और मैं भी आ गया हूँ, और मैं आके लेट गया हूँ क्योंकि वहाँ से आने के बाद भाई बहुत थक गए। अभी नहाने के लिए जाऊँगा मैं, इसलिए कपड़े उतार दिए हैं। और आरू की मम्मा ने दे दिया है आरू को गिफ्ट, आया है जैसे वैसे ही मांगा है इसने गिफ्ट, और ये दिया है आरू की नानी ने। अरे वाह, अरे वाह। और ये है गुंजा। आज मिलके कैसा लगा? सिर्फ आरब की, सिर्फ आरब की, सिर्फ आरब की। हाँ हाँ देखो मेरी नहीं बिल्कुल भी सच में। तो अभी मम्मा आके चली गई, मम्मी आई थी मेरी और वो मिलके हमसे चली गई। हाथ धो के सो जाओ पहले और शाम को उठना, तब बात करेंगे। अब थक गए हो तुम लोग, तो हम भी अभी कहते हैं नहा धो के सोते हैं, शाम को आपसे मिलते हैं। अभी गाइस अभी उठ गए हम लोग, आरू भी उठ गया है, और हम करीब 4 बजे सोए थे, 4:30 बजे वहाँ से आने के बाद, क्योंकि टाइम काफ़ी लग गया हमें आते आते। और जब 4 बजे हम सोए थे ये क्या है, जब हम 4 बजे सोए तो अभी उठे हैं 8 बज रहे, और आज ही गुंजा ने बोल दिया गुंजा ने आज ही बोल दिया उनसे कि खाना वाना यार मेरे पे तो नहीं बन रहा ये लेट गई है, कह रही है खाना वाना मेरे पे तो नहीं बन रहा है। तो मैं यार अब से डाइटिंग पे रहो। और अभी तुरंत मैगी रखी है, 2 पैकेट निकाल के इसने, वो देखो वहाँ दिख रही होगी आपको किचन में, ये देखो येलो येलो दिख रहा है। तो कह रही है कि ऐसा करना कि 2 पैकेट मैगी के बना लेना खुद से। बताओ यार दीदी के यहाँ पे तो वो सब हाथ में दे दी थी, अब खाना वाना सब लगा के टेबल पे दे दी थी। यार मेरी ना आँख में भी कुछ प्रॉब्लम हो गया, पता नहीं क्यों खुल नहीं रही है और दर्द भी कर रही है। नहीं कि ये देखो ये यहाँ से ना ये पूरा सूजन पड़ा हुआ है ये वाला, और ये यहाँ से बंद हो रही है ये देखो ये सब सूजन पड़ी है, तो आँख में बड़ा दर्द सा भी हो रहा है। क्या ये देखो इनने जूस निकाल लिया है अपना, और ये हमारी गुंजा देखो ये एक्टिंग करते हुए ये एक्टिंग कर रही है आज कि खाना बना लेना मेरी तबीयत खराब है यार तू क्या करेगी बेटू, यार बना दे यार कुछ बेटू बना दे, खाना बना दे भाई, और खाना दे रे शाम को दाल चावल खाए थे ना यार, जब उधर से आया तो तूने दाल चावल तो बना दिए, चल ठीक है दाल चावल बनाए, दाल चावल खिला दिए, तो रात को क्या खाया जाएगा मैगी ये लो मैगी तो बहुत सरल होती है, बना लो भाई देख रहे हो यार मैं नहीं बना रहा। गुंजा यार मत कर भाई ऐसा, चलो गाइस अभी मैगी बना के, सॉरी यार थोड़ा सा कल मैं ना शेविंग करा दूँ यार, थोड़ा शेविंग ना दिक्कत कर रही है ये, इसमें ना खुजली होने लगी है। तो चलो आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, और यहाँ तक देख लिया है तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेल आइकन ज़रूर दबा देना जिससे हमारी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय 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 बाय।
क्या हो गया बिट्टू? कुछ भी नहीं। याद आ रही है आपको? ऐसे आंसुओं से रो रहे हो? आंसुओं से? ऐसे आंसुओं से रो रहे हो? नहीं, बात कराऊंगा मैं अभी आपकी चिक्की से। भी रो रही थी। चिक्की भी रो रही थी कल को। अच्छा, रोने रही थी, जगह बैठी रही थी। तो याद आ रही है आपको? चलो अभी बात कराते हैं। वीडियो कॉलिंग करा दो। हाँ ठीक।